हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज दिन भर पूरे का पूरा बिजी थी, क्योंकि आज थोड़ा ऐसे ही काम था, पूजा वगैरह था, वो ख़त्म हुआ। स्कूल से लेके आई और 5 बजे से मैं गई थी, मैं 5 नहीं 7 बजे से गई थी। 5 बजे से मैं बैठ के पूजा कर रही थी, क्योंकि हनुमान चालीसा पढ़ना था, तो उनका जो पूजा करती हूँ मैंने, मुझे क्या 7 बार हनुमान चालीसा करना रहता है, तो वो पूजा वगैरह की शाम का सारा पूजा ख़त्म हुआ। उसके बाद में मैं गई थी मार्केट, 6 7 बजे निकल गए थे। फिर अभी घर पे आ रही हूँ तो अभी 10 बज रहे। पूरा 3 घंटा घूम घूम के हालत ख़राब, क्योंकि कल ना इनको राधा बन के जाना है, प्रियांशी को, तो प्रियांशी के लिए सब सामान लेना था, उसका चोटी, ये क्योंकि ये बाल तो है ना इसके पास, है ना, इसके हेयर तो बहुत छोटे छोटे, तो अभी पता नहीं इसको लेके तो सामान आई हूँ, इसको तैयार कैसा करना। मेन चीज़ ना उसका हेयर स्टाइल बनाना। ये देखिए, ये बच्चे का हेयर स्टाइल बनाना ना सबसे मुश्किल वाले काम है, क्योंकि इसकी हेयर स्टाइल है नहीं, और थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए थी यार, इतनी इतनी भी हो जाती ना तो भी हो जाता। देखते हैं कैसे, जैसे तैसे करके उसको करनी पड़ेगी। और सामान ना एक जगह पे नहीं मिलता, यहाँ वहाँ वहाँ घूम घूम के पूरी हालत ख़राब हो गई है। और अभी तो खाना बनाना बाकी है, खाना फटाफट बनाती हूँ जाके, दाल चावल रोटी सब्जी बनेगी, उतनी खाना। और बहुत थक गए, बहुत घूमे बहुत घूमे। कल था उपवास नहीं था, कल थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, और आज उपवास था। पूरी हालत खराब, घूम घूम के थकान भी होने लग गई अभी। और अभी ना सोना कितने बजे पता नहीं इसका, वो मटकी लाए, वो डेकोरेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो डेकोरेट वाले मिल रहे थे ना एकदम अच्छे से नहीं, और जो बहुत अच्छे से था वो बहुत महंगी थी, तो अभी क्या ही करना। एक दिन स्कूल लेके जाएंगे, उसके बाद तो वो मटकी तो टूट जाता है, तो कुछ काम का नहीं रहता है, तो उसको घर पे डेकोरेट कर लेंगे। तो मैं और मेरी फ्रेंड गई थी, उसकी बेटी भी इसके साथ में ही पढ़ती है, तो दोनों साथ में ही कल बन के जाएंगे, तो सामान भी साथ में ही लाए, तो दोनों का एक जगह पे ही कर लेंगे डेकोरेट, जो भी करना रहेगा मटके का, क्योंकि सेम सेम ही करना है तो फिर क्या ही करना ना, एक जगह पे ही कर लेंगे। अभी मैं उसको बोली पहले व्हाइट पेंट उस पर लगा के छोड़ देंगे, सूखेगा तो उसको डेकोरेट करेंगे। और जो वाला दे रहे थे ना, मतलब 100 रुपीज़ में जो दे रहे थे, बिल्कुल ना अच्छा नहीं लग रहा था, उसमें से पैसा कलर करके ना वो जिंक जिंक लगाया हुआ था, वो नहीं पसंद आ रहा था, तो उसके लिए थोड़ा सामान भी लेके आए, और देखते हैं उसको क्या डेकोरेट कर पाएंगे। तो चलिए थोड़ा मार्केट में, क्या जितना भी मैंने वीडियो लिया आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और आज क्या हुआ ना, पोछा लगाते लगाते ऐसे हाथ फिसल गए और घर पे ही चोट लगी, एक चूड़ी तो टूटी है और थोड़ी सी हाथ पे लगी। ये पूरा हफ्ता हफ्ते 10 दिन हो गया, पता नहीं मेरे को चोट ही लगती रहती है हर जगह पे, कौन सा ग्रह नक्षत्र खराब चल रहा है लगता है। उस दिन ऐसे हाथ पे गिर गया तो हाथ में सूजन आ गई थी, आज मैं खुद ऐसे पोछा लगाते लगाते फिसल गई हाथ, तो एक चूड़ी टूटी और लग गई यहाँ पे। तो चलिए आप लोग देखिए हम लोग क्या क्या शॉपिंग मार्केट घूमे वो देखिए, शॉपिंग जो जो की वो सुबह दिखाऊंगी। और मटका डेकोरेट करना है, इसको कैसे डेकोरेट कर सजाओ, तैयार होके जाएगी, तो सारा चीज़ मैं कल के वाली वीडियो पे आप लोग को देखने मिलेगी। चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं और एक नई वीडियो पे। अगर आपकी आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी रहेगी तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना। आज थोड़ा नेटवर्क का भी इशू था, तो मैं दोपहर में वो वीडियो भी नहीं डाल पाई, तो वो वीडियो भी बाद में डाल दूंगी। मिलेंगे और एक नई नई वीडियो पे, तो चलिए बाय बाय। तो यहाँ पे देखिए बहुत गर्दी थी जन्माष्टमी के लिए, पूरा भीड़ लगा हुआ था, और जहाँ पे कान्हा जी का सामान लिए वहाँ पे तो वीडियो करने का ही नहीं मिल रहा था, इतना गर्दी था वहाँ पे। पूजा के दुकानों में तो भर भर के गर्दी थे, और पूरे स्टेशन रोड पे, पूरे इधर, ये हमारा इधर का भाईंदर वाला स्टेशन है, तो यहाँ पे पूरे ना मार्केट में जाम लगा हुआ था। तो बच्चों का भी सामान मतलब ऐसा ख़त्म ही हो रहा था हर जगह पे, इतने इतने लोग सामान ले रहे थे। और यहाँ पे देखिए बहुत सारा सामान है, बहुत सारा, तो बहुत सारे चीज़ें लिए, वो कल आप लोगों को दिखाऊंगी क्या क्या लेके आए। और समझ में नहीं आ रहा था, एक चीज़ एक जगह मिल रहा था, एक चीज़ एक जगह मिल रहा था, तो ये देखिए फूल वाला पूरा सेट बना रखा हुआ था, पर वो पिछले साल ये सब पहना के भेजे थे तो वो अभी पसंद नहीं आया, तो अभी बाकी मतलब ऐसा ही लिए, हार वीर सब लेके आए। तो ऐसा बहुत सारा सामान था लेके आए थे, और यहाँ पे ना अच्छा था, और सबसे अच्छा ना ये वाला लगा कि ये लेके आया हम लोग ने,
बाजूबंद तो ये बहुत सुंदर था, बाजूबंद नहीं, इसे हाथ पे लटका के लगाते, बाजूबंद ही है, पर वो नहीं लाए थे, बस ये लटकन वाला लेके आए थे। और चूड़ी का कलेक्शन ना इधर लाख वाले चूड़ी का बहुत बहुत मतलब अच्छा था, डिजाइन पसंद आ रही थी, पर इतना भी टाइम नहीं था कि अच्छे से देख के ले, तो चूड़ियाँ का तो लेके नहीं आए, बच्चों के लिए ही लाए, मेरे लिए तो मैं लेके नहीं आई कि नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो लेके आऊँगी। और थोड़े दोपहर में जाने का जिस टाइम फ्री रहते इनको स्कूल से लेके आके एक दिन जाऊँगी तो चूड़ियाँ लेके आना है। बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शन था इधर। और हमारे में क्या पानी का चूड़ी पहनते, लाख वाले तो इतना पहनते नहीं है, पर क्या है ना एक कभी मतलब इसके आगे पीछे पानी का चूड़ी डाल के पहन सकते हैं, तो मुझे इधर बहुत अच्छा लगा चूड़ी का। और ये लाख वाली सारे चूड़ी है, पानी चूड़ी का यहाँ पे था ही नहीं। और ये बाजूबंद देख रहे, मतलब हमारे हाथ में आएंगे, बच्चों के हाथ में तो आता नहीं था, तो फिर वो वाले ही लिए थे। और ये वाला चूड़ी भी बहुत अच्छा, इसका कलर ना मतलब कि हमारे से अच्छा तो उधर देख के लग रहा था, बहुत अच्छा था कलेक्शन चूड़ी का। और मुझे सबसे ये वाली चूड़ी पसंद आई, ये इसका डिजाइन बहुत अच्छी थी इसका। और एक नीचे रखा हुआ है पूरे सेट वाला है, वो भी बहुत अच्छा था सुंदर। तो यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा चूड़ी का कलेक्शन था, तो हम लोग देख रहे थे पर लिए नहीं, जब तक वो सामान लेके आ रहे थे उतना टाइम ही हमने देखे, बाकी का टाइम देखे नहीं, मतलब बाकी का टाइम तो फटाफट निकल के आ गए थे, दूसरे जगह जाना था। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं और एक नई वीडियो पे, बाय बाय।